हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल टोल पर मारपीट मामले में भाजपा विधायक अनीता लोधी ने सफाई दी है। एमएलए ने विवाद में टोल कर्मियों की गलती बताते हुए दावा किया कि टोल देने को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। जबकि विधायक के मुताबिक टोल कर्मियों ने उनके समर्थकों से बदसलूकी की थी। आपको बता दें कि अनीता लोधी बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा से भाजपा विधायक है। जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल टोल पर लगे कैमरे में मारपीट की एक वारदात कैद हुई थी। टोल कर्मियों ने आरोप लगाया था कि विधायक के गुंडों ने उनकी न सिर्फ पिटाई की बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि न्यूज समाचारों में जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि हमारे लड़कों ने या हमने टोल ना देने की वजह से ऐसे झगड़ा हुआ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि टोल देने का कोई विषय ही नहीं था। हमारी गाड़ी जा रही थी तो जो बूथ होते हैं उन बूथों पर कोई भी लड़का लड़की या कर्मचारी उस समय मौजूद नहीं थे और उन्हीं उसी वजह वो दूर करीब 100-150 मीटर दूर खड़े हुए थे और अपना कोई फ़ोन पे बात कर रहा था, झुंड बना के खड़े हुए थे। तो उनको इशारे से मेरे ड्राइवर ने बुलाया और कहा कि ये जो बैरियर है इसे हटाओ। तो उन्होंने हमें वहीं से निर्देश दे दिया, 100 मीटर की दूरी से आंख दिखाते हुए हमें निर्देश ये दे दिया कि इसको अपने आप हटा लो और गाड़ी निकाल लो। तो इस पर हमारे लड़कों ने कहा कि ये कोई तरीका है, तुम बूथ में क्यों नहीं हो और यहाँ वहाँ से हमें और ज्ञान दे रहे हो। तो इसी बात को लेकर लड़कों में आपस में कहासुनी हुई और इस कहासुनी को लेकर मैंने भी बीच बचाव करने के लिए मैं गाड़ी से उतरी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो सारे थे फिर वो सारे इकट्ठे होकर टोल पर आ गए, जितने भी कर्मचारी थे और मेरे एक गनर और मेरे एक ड्राइवर और मेरे एक पीआरओ थे और उनमें आपस में हमें कहासुनी हुई। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इसको गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि घटना के कुछ घंटों बाद विधायक अनीता लोधी ने पूरे मामले में सफाई दी है। टाइम 24 न्यूज के लिए भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।